को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पापा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। ये है रानी की ड्रेस, कितनी प्यारी है। देखो पापा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पापा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। यम्मी। क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी लाकर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रही हैं? पापा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ।
क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियां और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। आज मेरा बर्थडे है। जॉर्ज, उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यिप्पी! मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। ओह, क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे टेडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओह डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है। थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। यिप्पी! पेपा के दोस्त आ गए। कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरी चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा, हम आ गए।
पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बेयर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बेयर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। हुरे! जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी?
पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज, वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया, अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओ डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है, वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओह डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो, तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। भुत्तू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो, तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। भुत्तू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है।
सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा। पेपा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना, तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज, मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा, जॉर्ज अब क्या कर रहे हैं?
हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ। मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। ये एक सीक्रेट है जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूँ तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूँ? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं। आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। आप भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया। क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पेपा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। और जॉर्ज, तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग, डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओह शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी। हाँ, मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैडी, क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, हैप्पी मिसेस चिकन? मेरे ख्याल से तुम्हें मम्मी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा हम बाद में खेल सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहाँ है। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है। जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत
छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पेपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? जॉर्ज। पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक। दादी घर पर है, पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ। अलमारी में जाओ? बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िए हो। बचाओ कोई, बचाओ बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है, ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ कोई, बचाओ। बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िए हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे ही जितने अच्छे थे। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी।
क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हो हो, हाँ कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सूजी। मुंह खोल कर कहिए आ आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। डायनासोर। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओहो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? मैं। ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं। पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो। और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर।
जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओह हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। डैडी, क्या होता है ये जासूस? पेपा, जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूंढने में माहिर होता है। मैं चीजें ढूंढने में माहिर हूँ। तो ठीक है, पेपा ही जासूस है। जॉर्ज, मैं हूँ जासूस। मैं मदद करूंगी मिस्टर डायनासोर को ढूंढने में। मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर कहाँ है? जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डायनासोर कहाँ हो सकते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डायनासोर उसके साथ होता है, तो मिस्टर डायनासोर टब में होंगे। मिस्टर डायनासोर टब में नहीं है। ओह, मुझे पता है मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जॉर्ज हमेशा रात को मिस्टर डायनासोर को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वो वहीं पर है। मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है। ओह, शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ, गार्डन। मैं वही कहने वाली थी। मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिस्टर डायनासोर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिस्टर डायनासोर यहाँ कहीं नहीं है। जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डायनासोर को हवा में उछालना पसंद है। मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डायनासोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दिया है। वो वहाँ है, मैंने उन्हें पहले देखा। शाबाश पेपा, तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है, डैडी का चश्मा। तुम बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है। लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। ब-
बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। ओह। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। ओह। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओ नहीं। ओ। ओ। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। हुरे! हाँ। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक दो तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाओ, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती, डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे?
जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल, चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिक बोल रहा हूँ। दादा पिक, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, क्या डैडी पिक नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिक मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है, जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है, जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो प्यारा और सुनहरा दिन है। पेपा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पेपा। ओ, कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओह, हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पेपा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पेपा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पेपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी, बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पापा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। टेडी, मैंने टेडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पापा, डैडी पिक तुम्हारा टेडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था, बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा।
डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज अगर तुम्हें मेरी गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टी पॉट में पानी भर रहा है। जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है, मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ है डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओह मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो शाबाश पेपा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया, मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000 अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पेपा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पेपा। हेलो मैं हूँ पेपा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। हेलो मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। अच्छा ठीक है। ये पापा बोले बोल। हेलो मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। ये पापा बोले बोल। हेलो मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ डैडी पिग, आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी पेपा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ अभी साबित करता हूँ, पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए।
मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो बताओ पहले क्या करूं? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं। आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी। अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेस अप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेस अप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14? 15? 16? 17? डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा। मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर कर। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ। दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी भी थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड।